हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो अंदर। इस वीडियो के अंदर आपको ये अनबॉक्सिंग नहीं होने वाली है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे क्लीन करते हैं। तो बॉक्स के अंदर अपने को मैनुअल मिलती है, इसके अंदर लिखा हुआ है वैसे वैसे ही बताऊंगा आपको, और एक ब्रश मिलता है और ऑयल मिलता है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो बताऊंगा। तो ट्रिमर को ले लेते हैं और इसके आगे वाली अटैचमेंट को दबा के आप आसानी तरीके से निकाल सकते हो। इसको कैसे क्लीन करते हैं वो आगे बताऊंगा। उसके बाद में अपने पास ये ब्लेड मिलती है, तो ब्लेड को आगे की तरफ प्रेस करते हैं, खींचते हैं तो ये निकल आती है। और इसके अंदर से आप देख सकते हैं छोटे मोटे कोई फंसे हुए हो सकते हैं, वो बाल को अच्छे से ब्रश से दबा दबा के निकाल देना है। पानी नहीं लगाना और कपड़ा भी नहीं लगाना, कपड़े से साफ भी नहीं होगा, ये ब्रश से ही होगा। तो देख सकते हैं क्लीन हो चुका है। वैसे ही अपने को ब्लेड कर लेनी है, तो ब्लेड के अंदर भी कोई छोटे मोटे दबे हो सकते हैं, फंसे हो सकते हैं, तो उसको हल्के हाथों से या दबा के जैसे भी आपको सही लगे वैसे आप इसे क्लीन कर सकते हो। उसके बाद में अपने को ये स्प्रिंग वाला निकालना है, तो अपने इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से ऐसे खींच खींच के निकाल भी सकते हैं, थोड़ी सा मशक्कत का ही काम है। और ये देख सकते हैं स्प्रिंग उठ के साइड में भी जा सकती है, और ये अपने क्लीन कर लेना है। उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पे अंदर थोड़े मोटे फंसे हो सकते हैं, बल्कि इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, इसको बिना खोले भी काफ़ी बढ़िया तरीके से क्लीन हो जाता है। इसको खोलने के बाद कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और इसको खोलना भी बड़ी मुश्किल का काम है। इसको वापस कैसे लगाते हैं वो बताता हूँ मैं। तो ये छोटे वाली अपने पास में अटैचमेंट है, उसके अंदर अपने को दो ये होल दिए हुए हैं, उसके अंदर इसकी पिन को लगाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जूम करके बता देता हूँ, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इसमें पिन को लगाना है होल के अंदर। और उसके बाद में जो बड़े वाली अटैचमेंट है उसके ऊपर अपने को यहाँ पे एक दो पिलर से दिए होंगे, उनके ऊपर रख के इसको स्प्रिंग आगे की तरफ दबाना है, प्रेस करना है। और इसको आप इसकी स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी कर सकते हो, ये थोड़ा टेक्निक का काम है, वरना बहुत मुश्किल है इसको वापस लगाना। तो ये देख सकते हैं ये लग चुका है, ये काफी आसान तरीके से लग चुका है, बस टेक्निक चाहिए होती है इसको। तो ये देख सकते हैं क्लीन भी हो चुका है, ये देख सकते हैं। और इसको वापस कैसे लगाते हैं ट्रिमर के अंदर वो मैं आपको बताता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे ट्रिमर के अंदर अपने को ये मोटर मिलती है, मोटर की पिन भी आप इसे क्लीन कर सकते हो, कपड़े से क्लीन कर लेना मोटर की पिन को, तो ग्रीस वगैरह लगी हो सकती है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके की पिन यहाँ पे उभरी हुई बाहर निकली हुई है, थोड़ा दिखा देता हूँ। तो ये उसके बाद में यहाँ पे ट्रिमर के अंदर दो ये दिए हुए होते हैं जगह, यहाँ पे इसके अंदर लगाना है इसको लाइन करके। देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ये लग रहा है उसके हिसाब से लाइन कर लेना है मोटर की लाइन में, और यहाँ पे हल्के हाथों से इसको प्रेस कर देना, तो ये काफ़ी लग जाएगा आसानी तरीके से। उसके बाद में अपने को यहाँ पे इसे ब्रश से क्लीन कर लेना है रोटेटर को और पूरे को। ये देख सकते हैं यहाँ पे इसमें कोई दबे हो सकते हैं, फंसे हो सकते हैं, वो क्लीन करना है। उसके बाद में ऑयल बताऊंगा, उससे पहले ये बता देता हूँ कि ये आगे वाला अटैचमेंट ब्रश से भी क्लीन कर सकते हो, इसे तो आप धो भी सकते हो पानी से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको धोने से भी कोई दिक्कत नहीं आई, इसको धो के सुखा दो साइड में। उसके बाद में ऑयल कैसे लगाते हैं वो बताता हूँ मैं मेन। तो उसके बाद इसको खोल लेना है आगे से, और ये यहाँ पे ये बंद आता है, इसको ओपन करना पड़ता है। देख सकते हैं यहाँ पे इसको कैंची से, ब्लेड से या फिर चाकू से किसी से भी कर सकते हो। तो इसको थोड़ा ज़्यादा काटना पड़ेगा, इसको छोटे से काटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा इसको काटना पड़ेगा। उसके बाद में इसमें जो ऑयल निकलेगा आपको पता लग जाएगा कट चुका है। तो उसके बाद में ऑन करके इसमें लगाना है अपने को, दोनों तरफ से हल्का हल्का प्रेस करना है ऑन करके, और अच्छी तरह से घुमा लेना है कि अंदर तक मिक्स हो जाए। और ये क्लीन हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये क्लीन हो चुका है काफ़ी आसानी तरीके से। और इस कमेंट करके बता देना अगर आपको कुछ समझ ना आया हो इस वीडियो के अंदर। तो ये अटैचमेंट लगा के इसको बॉक्स के अंदर वापस हमने पैक करके रख देंगे, कुछ रह गया हो तो कमेंट करके बता देना। ये ब्रश भी लगा देंगे इसके अंदर, और इसको ट्रिमर को पहले पैक करके रख देंगे अच्छी तरीके से। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को।